सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अक्षय पांडे। भाई आज मैं आपके पास लेके आ गया हूँ रिव्यू एक और ईवी गाड़ी का। जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि यार हर कंपनी ना ईवी गाड़ी पे स्विच कर रही है। मतलब डीजल सबको पता है कि आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद मे बी गवर्नमेंट डीजल गाड़ियाँ बैन कर दे, तो हर कंपनी पेट्रोल और अपनी एक ईवी गाड़ी निकाल रही है, मतलब बैटरी वाली गाड़ी निकाल रही है बेसिकली। तो अब भाई हर कंपनी लॉन्च कर रही है। ह्यूंडई ने भी 2022 में लॉन्च करी थी कोना इलेक्ट्रिक, तो आज मैं उसका ही रिव्यू आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। कोना इलेक्ट्रिक कैसी गाड़ी है और इसका कंपैरिजन सीधा सीधा भाई नेक्सॉन वगैरह से होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये नेक्सॉन से बेटर है, क्योंकि नेक्सॉन ने भी अपना फेसलिफ्ट नया भाई रिवील किया तो है। हाँ जी, ये है मेरे सामने ह्यूंडई की कोना इलेक्ट्रिक। अब जैसा कि मैंने बताया था यार, हर कंपनी ईवी गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है, ईवी गाड़ियाँ निकाल रही है, तो ह्यूंडई की भी 2022 में लॉन्च हुई थी। और इस गाड़ी को आपने अभी ज़्यादा देखा नहीं होगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी एक हिडन जेम है यार। आज जब मैं आपको इसके फीचर्स और इसके बारे में बताऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि यार दिस इज़ बेटर देन नेक्सॉन और नॉट, ये तो आप जज करने वाले हैं और कॉमेंट्स में बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं भाई फ्रंट डिज़ाइन से। फ्रंट की डिज़ाइन अगर मैं आपको पहले दिखाऊँ तो कुछ ऐसा एकदम देख रहे हैं, ऐसे अलग सा एंग्री बर्ड वाला लुक आ रहा है इसका। और फ्रंट में आपको इधर LED लाइट्स और यहाँ पे फॉग लैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा एरोडायनेमिक्स का अच्छे से, ताकि वेंटिलेशन हो, भाई ईवी गाड़ी है, रेंज ज़्यादा निकालने के लिए ये सब किया जाता है। एरोडायनेमिक्स वगैरह पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरोडायनेमिक्स वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा उतनी गाड़ी की रेंज अच्छी होगी, और रेंज अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक चार्ज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाने को मिलेगी। सो ये इसका पूरा फ्रंट से लुक है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग का देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको इधर ह्यूंडई का लोगो, ये ऐसे पूरा फ्रंट से गाड़ी का लुक आता है। साइड से दिखाते हैं भाई, साइड से बात करें, ये इसके ऐसे एलॉयज देखने को मिलते हैं काफ़ी फ्यूचरिस्टिक से, अलग से, जैसे ह्यूंडई की आइनिक 5 अगर किसी ने देखी हो तो कुछ वैसे से इसके एलॉयज देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें 215/55R17 आपको यहाँ पे टायर साइज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक क्लैडिंग का यूज़ किया गया है, और ये ब्लू ड्राइव, ये इसके कुछ ऐसे, इसमें ऑटो फोल्ड आपके ORVMs आते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए, रिक्वेस्ट सेंसर्स दिया हुआ है डोर पे। ये पूरा ब्लैक क्लैडिंग का यूज़ किया गया है, और आप पूरा इस गाड़ी को देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सनरूफ भी देखने को मिलता है, ये इसका पूरा साइड से लुक। ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है अगर मैं बात करूँ, मतलब भाई ये एक SUV गाड़ी है, EV में SUV है ये। और ये इसका ऐसे पूरा रेयर लुक, रेयर से बात करूँ, यहाँ पे रेयर में भाई आपको स्पॉइलर, वाइपर और कुछ ऐसा सा पीछे से लुक आता है। कुछ ये सैंटाफे, टिसॉन और ये क्रेटा सा सब ऐसा इंस्पायर्ड मिक्स गाड़ी लग रही है एकदम। ये आप देखेंगे तो यार ह्यूंडई की गाड़ियाँ नो डाउट अच्छी होती हैं, मतलब इंजन की बात कर लो, मेंटेनेंस की बात कर लो, सब कुछ मस्त रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग, और यहाँ पे कोना, कोने में खड़ी हुई है भाई ये ह्यूंडई की कोना। और ये इसमें आता है यहाँ पे रियर कैमरा, और यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स भी आपको पीछे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे एंटीना प्रोवाइडेड है इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको बूट स्पेस कितना देखने को मिलता है, तो कुछ इतना सा भाई ठीक ठाक बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। और ये आता है भाई 60-30 स्प्लिट के साथ, 60-40, तो आप इसको सीट को गिरा भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऐसे सामान वामान रखने को देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे टायर प्रोवाइडेड है एक्स्ट्रा, और ये तो शोरूम वाले अब तो खाली डब्बे रखने लगे हैं, मतलब कि देख लो भाई कितना सारा सामान रख सकते हो आप गाड़ियों में। यहाँ पे आपको मिलता है एक LED लैम्प इधर इस साइड, और ये इसका पूरा बूट स्पेस। साइड से बात करें, ये गाड़ी इस तरफ से आपको यहाँ पे भाई ये पूरा ब्लैक में से मैट में फिनिश दिया हुआ है, ये इसका पूरा साइड से लुक। ये गाड़ी काफ़ी कुछ यार फोर्ड की गाड़ी आती थी फिस्टा या कुछ, तो उसके तरीके थोड़ा सा मतलब ऐसे लुक वगैरह देखने को मिलता है। और ये इसका पूरा फ्रंट से लुक आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं यार इसमें और क्या कुछ प्रोवाइडेड है भाई ये ईवी गाड़ी में। कीज़ की बात कर लें अगर, तो यहाँ पे आपको कीज़ में लॉक अनलॉक और बूट होल्ड का बटन देखने को मिलता है। गाड़ी हो गया अनलॉक, रिक्वेस्ट सेंसर है, डोर के पास कीज़ लेके गए, गाड़ी हमारी हो गई अनलॉक। अब आ गए हैं भाई अंदर इस गाड़ी के, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर्स कि डोर में क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ट्विटर स्पीकर, बॉटल होल्डर, और यहाँ पे कंट्रोल्स वो भी मिरर के, और यहाँ पे ORVM के, लेफ्ट राइट ORVM यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लेदर का टच दिया हुआ है, ये हार्ड प्लास्टिक में फिनिश, काफ़ी अच्छा फिनिश है यार,
मतलब सही लग रहा है देखने में भाई, एकदम तगड़े तरीके से फिनिश कर रखा है। यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाती हैं, हिल असिस्ट, ऑटो असिस्ट, वेस। यहाँ पे आप लाइट एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट की, ये एसी वेंट्स फ्रंट के। यहाँ पे ये आपको गियर लेवर यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ से आप अपना भाई हुड ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, यहाँ से आप आगे पीछे ऐसे सब सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब भाई इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यार, और दिखाते हैं भाई कैसी गाड़ी है, क्या है इसमें। हुंडई की कोना, नाम यार बड़ा मस्त सा रखा है इन्होंने भाई। कौन सी गाड़ी आपके पास? कोना है मेरे पास। तो ये हो गई भाई हमारी गाड़ी स्टार्ट। अब यार ईवी गाड़ी की अगर बात करूँ, ईवी गाड़ी स्टार्ट कब होती है पता ही नहीं चलता भाई, बैटरी पे हैं ये गाड़ियाँ। तो बस कीज़ अंदर रखो और जैसे ही स्टार्ट करो भाई, गाड़ी समझ भी नहीं आती आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। तो ये भाई हमारी गाड़ी का कुछ फ्रंट से इंटीरियर का ऐसे पूरा लुक आता है देखने में, देख सकते हैं आप इसको। अब इसमें मैं सब कुछ दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है यार मुझे, ये इसका सेंट्रल का कंसोल पूरा आप देख सकते हैं भाई। ये जो चीज़ है यार, ये थोड़ा मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे ना ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, जैसे जिस गाड़ियों में भी ऐसे होती है ना, क्योंकि मैंने यार ये बचपन से लग्जरी गाड़ीज़ में ज़्यादा देखा है कि पूरा इनका कंसोल ऐसे भरा रहता है और थोड़ा अलग सा लगता है देखने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की। पूरा लेदर रैप स्टिचिंग के साथ स्टेयरिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छा ऐसे हैंडलिंग हुई है यहाँ पे, मतलब मस्त सा यहाँ पे हुंडई का लोगो। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मोड वो तो उसके इंफोटेनमेंट के हैं, और यहाँ से वॉल्यूम, फ़ोन उठाना बंद करना ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ से आप TPMS देख सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ से लाइट का, डोर का, साउंड, कन्वीनियंस, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कंजम्पशन कितना हुआ है, एवरेज कितना दे रही है, यहाँ से आप स्पीड देख सकते हैं, बैटरी की रेंज देख सकते हैं, और कोई भी गाड़ी में फॉल्ट हुआ मैकेनिकली वगैरह तो यहाँ पर आपको दिखेगा। बात करें यहाँ पे भाई, पूरा एक हार्ड प्लास्टिक में बढ़िया फिनिश दिया हुआ है। ये इसका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि टच में भी आता है, पूरा टच में देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है भाई, ईवी, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्विक गाइड, ये हो गया मीडिया, ऑक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये इसका पूरा, और यहाँ पे एयरबैग्स, टोटल 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स। अब जो मैं बात कर रहा था, ये जो कंसोल है भाई, इसका मैं आपको पूरा बताता हूँ ये क्यों मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और वैसे भी नो डाउट बढ़िया है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स, ये पार्किंग लाइट्स, ये पूरे एसी के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। अब इस गाड़ी में जो फीचर आता है वो भाई सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसमें मिल जाते हैं भाई, हॉट एंड कूल सीट्स फ्रंट में, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। यहाँ से मतलब पैसेंजर्स को भाई अगर मान लो गर्मी लग रही है, सीट गर्म है या कुछ, तो यहाँ पे भाई वो हीटेड या कूल सीट्स का ऑप्शन आता है, तो मतलब थोड़ी सी हवा टाइप में आती है ऐसे सीट से ही, तो ठंडी हो जाती हैं सीट्स। मतलब कभी कभी जब आप गाड़ी धूप में खड़ी हो बैठो तो सीट्स यार गर्म होती हैं, पसीना आने लगता है पीछे। लेकिन इन सब फीचर्स से ये फ़ायदा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। आप अगर भाई गर्मी है तो आप अपनी सीट्स ठंडी कर लीजिए, और अगर ठंड हो रही है तो भाई सीट गर्म भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे ऑटो होल्ड ड्राइव मोड देखने को मिलता है। अब मैं दिखाता हूँ ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है, छुपा हुआ है भाई इसमें बहुत कुछ। सबसे पहले इसमें USB, ऑक्स, और यहाँ पे स्टोरेज डिसेंट देखने को मिलती है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको प्रोवाइडेड है। ये यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी प्रोवाइडेड है। ये पूरे कंट्रोल्स। अब यहाँ पे पार्किंग, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, ये दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक। यहाँ पे आ जाता है थोड़ा स्टोरेज, ग्लव बॉक्स एडजस्टेबल है, आराम से हाथ वाथ यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका पूरा फ्रंट से सेम, वहाँ पे भी स्पीकर्स, ट्विटर, और पूरा फ्रंट से इसे डिज़ाइन दिया हुआ है फिनिश। यहाँ बात करें भाई, वैनिटी मिरर दिया हुआ है, लाइट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं, ये आपको IRVM दिया हुआ है यहाँ पे, सनशेड्स। मतलब अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, तो यार क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्ती है यार, मतलब बड़ी सही क्वालिटी है। ये सनरूफ आप इसका यहाँ से पूरा एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका सनरूफ, और
यहाँ पे मिरर, लेकिन लाइट्स यहाँ से आपको एक्सेस करनी पड़ेंगी। ये इधर इसकी लाइट और यहाँ पे भी माइक्रोफोन प्रोवाइडेड है। ये इसका पूरा भाई कोना का, गाड़ी का नाम मुझे यार बड़ा पसंद आ रहा है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ये कोना का पूरा इंटीरियर। अब कोना की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, अगर मैं कोना की स्पेसिफिकेशंस की बात अगर करी जाए तो भाई कोना में आते हैं भाई अपना ऑलमोस्ट 39.2 किलोवाट की बैटरी, और इस गाड़ी में रेंज जो आपको देखने को मिलती है वो ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स के आसपास रेंज है इसकी। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं, इस गाड़ी का सीधा कंपैरिजन भाई अपनी है नेक्सॉन ईवी, और नेक्सॉन तो आपको पता ही है यार ईवी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम कर गई। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था और काफ़ी अच्छा मतलब बूम कर गई यार वो उसमें ईवी सेक्टर में नेक्सॉन। तो इस गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो भाई ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 23-24 लाख रुपए ऑन रोड देखने को मिलेगी। ये 5 सीटर गाड़ी है, लेकिन गाड़ी बहुत गजब की है यार। मतलब अगर आप ईवी गाड़ियां देख रहे हैं ना, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, और आप विजिट कर सकते हैं भाई गार्वे ह्यूंडई अगर आप पुणे से देख रहे हैं। सो इस गाड़ी को भाई ज़रूर टेस्ट ड्राइव तो करिए ही करिए, विजिट तो करिए शोरूम और आके ज़रूर देखिए एक बार गाड़ी को। सो भाई अब चलते हैं रेयर सीट्स में, देखते हैं रेयर में क्या क्या ऑफर किया गया हुआ है, पीछे क्या कुछ है यहाँ पे देखने को, उससे पहले कि गाड़ी बंद कर दें। रेयर में चलते हैं, देखते हैं पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ है। पहले डोर्स की बात कर लूँ, यहाँ पे लेदर फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर और स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब चलते हैं भाई पीछे, तो बैठ गया हूँ। एसी वेंट्स पीछे यार यहाँ कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो इधर यार एसी वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, चार्जिंग का भी कुछ सॉकेट नहीं दिए हुए हैं। और मैं बात करूँ ये प्लेटफॉर्म पूरा ऐसे फ्लैट है तो 3 लोग तो यार आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, तो आराम से 3 लोग तो बैठ सकते हैं। थाई सपोर्ट इज़ ओके ओके, ठीक ठाक है, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, और इधर पीछे से थोड़ा सा ऐसे व्यू, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है यार पीछे मतलब ऑफ़र करने के लिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईवी है, सनरूफ है, और रेंज काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की है यार। मतलब अब यार रेयर में इतना ही कुछ ऑफर किया जाता है, और हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो हेडरूम भी अच्छा खासा है, मतलब ठीक ठाक है भाई। स्पेस भी बढ़िया दी हुई है, मतलब मैंने अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करी हुई थी। ये पूरा यहाँ पे अच्छा फाइबर में बैक में भी फिनिश दिया हुआ है, तो गाड़ी यार ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी है यार। मतलब नेक्सॉन से कंपेयर करी जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है। बस नेक्सॉन में यार थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो थोड़ा फ्रंट का इंटीरियर उन्होंने फेसलिफ्ट में लॉन्च किया है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये गाड़ी भी कम नहीं है, रेंज की बात करी जाए सब कुछ भाई गाड़ी बहुत गजब की है। आई थिंक आपको ये गाड़ी ज़रूर एक बार देखनी चाहिए, उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, एंड देन आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।